बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, मैं शिखा स्वरूप, आप सभी किसान भाई बहनों का कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप जुड़ चुके हैं और इसमें हम आपको दिखाते हैं किसानों के लिए क्या कुछ नया है, क्या करना है और कैसे हम उनकी किसानी और खेती और भी बेहतर बना सकते हैं। आज भी हमारे पास दो नई जानकारियाँ हैं, तो जानकारी की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जोहार योजना के तहत किसान पा सकेंगे खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन इत्यादि की बेहतरीन प्रशिक्षण। बकरियों को बरसात से पहले लगवाएं पीपीआर एवं गलघोटू का टीका। हिल पर बीज बुआई के लिए बेहतर है नवीन डिबलर। झारखंड सरकार द्वारा आरम्भ की गई नवीन योजनाओं में एक प्रमुख योजना है जोहार योजना। इस योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को आधुनिक खेती की तकनीक, मत्स्य पालन, पशुपालन इत्यादि की बेहतरीन प्रशिक्षण दी जा रही है, साथ ही आवश्यकता अनुसार आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जोहार योजना के अंतर्गत किसानों को उत्पादन से लेकर बाजार तक मुहैया कराने की योजना है, जिससे किसानों को उनकी मेहनत का पूरा पूरा लाभ मिल सके। इस योजना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों को प्राथमिकता देने के साथ ही 50% से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। बकरियों में कई प्रकार के रोग लगते हैं, पर प्रमुख रूप से उनमें पीपीआर और गलघोटू रोग वर्तमान समय में लगने की संभावना ज्यादा रहती है। कहते हैं रोग लगने के बाद इलाज से बेहतर होता है रोग को लगने ही नहीं देना, इसलिए पशु चिकित्सकों की सलाह है कि बरसात से पहले बकरियों को गलघोटू और पीपीआर का टीका अवश्य लगवाएं। खरीफ में जो किसान भाई मक्का लगाना चाहते हैं उनके लिए कृषि विशेषज्ञों द्वारा मक्का के अनुशंसित प्रभेद हैं गंगा के 25 और कंचन। ये प्रभेद खासकर झारखंड प्रदेश के लिए अच्छी मानी जाती है। राज्य के कृषक मक्का के इस प्रभेदों को लगाकर अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। गंगा के 25 और कंचन ये मक्का के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। ये झारखंड की मिट्टी और जलवायु में अच्छी उपज प्रदान करती है। लगभग 80 से 85 दिनों में इसकी फसल तैयार हो जाती है। प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम की दर से बीज की बुआई कर और उचित कृषि कार्य को करके लगभग 35 से 40 क्विंटल उपज पाई जा सकती है। दुधारू पशुओं के थन में एक प्रकार का रोग लगता है जिसे थनेला रोग कहा जाता है। थनेला रोग के थन में सूजन होना, दूध निकलने का रास्ता पतला होना, दूध में मवाद आना या दूध फटा हुआ आना इत्यादि इस बीमारी के लक्षण हैं। थनेला रोग के लग जाने की स्थिति में पशु की मौत तो नहीं होती, लेकिन वह अनुपयोगी हो जाता है, जिससे पशुपालकों को बहुत नुकसान होता है। साफ सफाई इत्यादि कुछ बातों का ख्याल रखकर थनेला रोग से बचा जा सकता है। जैसे दूध दुहने से पहले हाथों को और थन को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। पशु आवास को साफ रखें, मक्खियों और दूसरे कीटों का प्रकोप ना हो, थन में चोट या घाव ना होने पाए। हिल पर बीजों की बुआई करनी हो तो कृषक नवीन डिबलर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उपकरण बहुत ही कम समय और मेहनत में बुआई कार्य करने में सक्षम है। इस उपकरण को नवीन डिबलर कहा जाता है। यह उपकरण एक दिन में लगभग 3,200 हिल पर बीजों की बुआई करने में सक्षम है। इस नवीन डिबलर उपकरण के इस्तेमाल से किसान बहुत ही कम समय में बुआई कार्य को खत्म कर सकते हैं। यह उपकरण बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों में मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है कि कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं, साथ ही सरकार द्वारा निर्देशित सामाजिक दूरी एवं अन्य निर्देशों का पालन करते हुए कृषि कार्य करें, ताकि हम और हमारा देश स्वस्थ रहे।
सुरक्षित रहें। इसी के साथ अगले अंक तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा उपकरण के बारे में, तकनीक के बारे में, मौसम के हाल के बारे में, और साथ ही आपको कृषि संबंधित नई नई जानकारियां भी मिली। अब समय हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम तुरंत आते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखा के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांच कर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी, संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान देश की शान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी जानकारी की तरफ, और आज की हमारी जो पहली जानकारी है मछली पालन के पूर्व तालाब की तैयारी। मछली पालन के पूर्व तालाब की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है।
तालाब की गहराई कितनी होनी चाहिए, तालाब का आकार आयतकार कितना महत्वपूर्ण है, तालाब में कैल्शियम चूना की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो देखते हैं ये फीचर और लेते हैं जानकारी। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मछली पालन एक बेहतर जरिया है और यह समय भी मछली पालन के लिए अनुकूल है। साल में दो बार एक तालाब से मछलियां प्राप्त की जा सकती हैं। जानकार कहते हैं कि मछली पालन से पूर्व तालाब की तैयारी बहुत जरूरी है। जो किसान भाई मछली पालन करना चाहते हैं, उन किसान भाइयों को हम ये बतलाना चाहते हैं कि मछली पालन करने से पहले तालाब की तैयारी कैसे करें। आज हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ उपस्थित है। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि किसान भाई की मछली पालन करने से पहले अपने तालाब की तैयारी कैसे करें। जोहार किसान भाइयों, अभी मॉनसून का शुरुआत होने वाला है और मछली पालन के लिए यह काफ़ी सुनहरा अवसर है। किसान भाइयों, झारखंड में हमारा जो तालाब है वो दो तरह का है, एक तो मौसमी है और दूसरा सदाबहार है। तो किसान भाइयों, जो सदाबहार तालाब है उसमें मत्स्य पालन के लिए अलग विधि होती है, जबकि जो मौसमी तालाब है उसमें 6 से 7 महीना के अंदर आप अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो मेरा आग्रह है कि जो भी मौसमी तालाब है उसको नर्सरी के रूप में प्रयोग करें और मछली का बच्चा यानी मत्स्य बीज उत्पादन के लिए उसको उपयोग करें। तो मत्स्य बीज उत्पादन करने के लिए जो तालाब साल में सूख जाता है वो सबसे बेहतर होता है। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे, यह एक नर्सरी तालाब है जिसका कि आकार भी थोड़ा छोटा है और यह सूख चुका है। सूखने के बाद इसमें बारिश होने के पहले हम लोग क्या करते हैं कि तालाब का जो मेड़ है उसके किनारे चारों तरफ कुदाल से उसको छील कर घासों की और खर पतवार की सफाई करते हैं। सफाई करने के पश्चात अगर संभव हो तो इसमें हम लोग जुताई भी कर सकते हैं। तो जुताई करने से उसका मिट्टी का जो है उर्वरा वो बढ़ता है और मछली पालन के लिए उपयुक्त हो जाता है। इसमें हम लोग 1 किलोग्राम प्रति डिसमिल के दर से चूना का छिड़काव करते हैं। चूना का छिड़काव करने से वह पानी का पीएच को कंट्रोल करता है। तो अभी जैसे ये नर्सरी लगभग तैयार है, इसका तल में और सफाई करनी है, उसके बाद इसमें अब जब पानी आ जाएगा तो इसमें चूना पहले से डाला हुआ है, पानी आ जाएगा तो इसका पीएच पानी का मेंटेन हो जाएगा। मछली पालन सभी प्रकार के छोटे और बड़े मौसमी और बारहमासी तालाबों में किया जा सकता है। तालाबों में जून माह में निम्नतर जल स्तर होने पर बार बार चलाकर हानिकारक मछलियों और कीड़े मकोड़े को निकाल देना चाहिए। उसमें महुआ खली का प्रयोग करना चाहिए, इससे पानी में रहने वाले जीव मर जाते हैं। हालांकि यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि इसके प्रयोग के बाद तालाब को 2 या 3 सप्ताह तक निस्तार हेतु उपयोग में ना लाएं। किसान भाइयों, स्पॉन जो मछली का जो अंडा होता है उसमें 1 से 4 दिन का जो बच्चा होता है अंडा से निकलने बाद, उसको हम लोग मत्स्य स्पॉन कहते हैं। तो स्पॉन का संचयन हम लोग करेंगे और उस संचयन करने के बाद उसका हमको पहले भी देखभाल करना है और संचयन करने के बाद भी देखभाल और पूरक आहार देना है। तो संचयन के पूर्व हम लोग 3 दिन पहले सरसों खली 50 से 100 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर से हम लोग उसमें डाल देते हैं ताकि 3 से 4 दिन में वहाँ प्लैंकटन तैयार हो जाए और मत्स्य स्पॉन संचयन होने के बाद वो प्लैंकटन को खाने योग्य हो जाए। तो स्पॉन जब हम लोग संचयन करते हैं तो मत्स्य स्पॉन को शुरू के 3 दिन में हम लोग अंडा, गुड़, बेसन और सरसों का तेल, ये तीनों को मिला के हम लोग उसमें घोल बनाकर छिड़काव करते हैं। अब छिड़काव करने के बाद 4थे दिन से हम लोग सरसों का खली, बादाम का खली और चावल का कोढ़ा, इसको मिला के शुरू के सप्ताह में 500 से 600 ग्राम प्रतिदिन हम लोग भोजन देते हैं प्रति लाख स्पॉन पर। 1 लाख इसी स्पॉन हम लोग डालें तो उसमें 600 ग्राम उसी रेशियो में हम लोग जितना स्पॉन डालेंगे, जैसे स्पॉन संचयन का दर है 1 एकड़ में 20 लाख स्पॉन, तो 20 लाख के रेशियो से हम लोग वहाँ खाना छिड़काव करेंगे सुबह शाम। मछली बीज संचय के उपरांत यदि तालाब में मछली का भोजन कम है या मछली की बाढ़ कम है तो चावल की भूसी और सरसों या मूंगफली की खली सही अनुपात में देना चाहिए। ये तालाब पूरा तैयार है, इसमें चूना का छिड़काव किया गया है
जल का संचयन भी कर दिया गया है। अब स्पॉन्ज संचयन करने के पहले हम लोग एक दवा है जिसको कि क्लीनर कहते हैं, ये क्लीनर हम लोग 1 से 2 मिलीलीटर प्रति डिसमिल के दर से इसको पानी में 10 लीटर पानी में मिला के इसको छिड़काव करते हैं, जिससे कि तालाब में पानी में जो भी कीट मकोड़ा है जो स्पॉन को नुकसान पहुंचा सकता है उसको यह मार देता है। और क्लीनर कब डालना है किसान भाइयों, इसको ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे हम लोग को 24 घंटा के बाद स्पॉन संचयन करना है तो 24 घंटा पहले हम लोग क्लीनर डालेंगे, और क्लीनर डालने के बाद स्पॉन संचयन के 1 दिन पूर्व फ्राई कैचिंग नेट से यहाँ जाल का संचयन करेंगे, ताकि जाल संचालन के कारण जो भी कीट मकोड़े मरे होंगे वो सभी बाहर निकल जाएगा, और इससे हमारा वृद्धि और उत्पादन काफ़ी संतोषजनक और अच्छा होता है। तो किसान भाई बहन, आपने देखा मछली पालन के पूर्व तालाब की तैयारी कैसे करनी है। अगर आप मछली पालन के बारे में सोच रहे हैं तो तालाब की तैयारी बहुत ही ज़रूरी है अच्छे तरीके से करना, तभी आप मछली पालन कर लाभान्वित हो सकते हैं। अब समय हो चला है हम आपको दूसरी जानकारी दें। आज की हमारी जो दूसरी जानकारी है छिड़काव विधि से धान की खेती। धान की खेती 2 तरीके से की जाती है, एक छिड़काव विधि से और एक रोपा विधि से। तो छिड़काव विधि से कैसे करनी है, चलिए जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। आज हमारे साथ बिरसा के वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि छिटकवा विधि से धान की खेती किस प्रकार से हमारे किसान भाई कर सकते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि छिटकवा विधि से धान की खेती किस प्रकार से हमारे किसान भाई कर सकते हैं। नमस्कार जोहार किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी मौसम बिल्कुल बदला हुआ है और यास तूफान जो है उसके कारण काफ़ी अच्छी वर्षा हुई है, असामयिक वर्षा हुई है। जो अभी गर्मी का समय चल रहा था और उसमें बिल्कुल तूफान ने काफ़ी हलचल मचा दिया है और काफ़ी अच्छी वर्षा हुई है, कहीं कहीं तूफान से क्षति भी हुआ है, लेकिन इसको एक अवसर के रूप में आप ले सकते हैं। इसको अवसर में बदलना आपका काम है। जो बारिश हुई है और खेतों में पानी लग गया है तो 2-3 दिन में खेत आपका जोतने लायक हो जाएगा। तो जैसे ही टाड़ आपका टाड़ जिसमें छिटकवा विधि से हम धान की खेती करते हैं, जैसे ही उसमें एक हल चलने लायक नमी आ जाए तो खेत की अच्छी तरह से जुताई करें कि जिसमें उसमें खरपतवार जो उग गया है वो बिल्कुल दब जाए और ज़मीन में सड़ जाए, और बढ़िया से जुताई करके आप छिटकवा विधि से धान की खेती कर सकते हैं। और इसके लिए जो प्रभेद चाहिए वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही सही चुनाव आपको करना होगा, क्योंकि दोन में जो खेती करते हैं जिसमें रोपा करते हैं और छिटकवा विधि से जो सीधे छींटते हैं हम लोग, दोनों के लिए बिल्कुल अलग अलग प्रभेद है। और जो टाँड में हम लोग खेती करते हैं छिटकवा विधि के लिए, उसमें सबसे जो अच्छी प्रभेद है वो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की प्रभेद है, वो आपको कृषि विज्ञान केंद्रों में मिल जाएगा और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में मिल जाएगा और कहीं कहीं मार्केट में मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि जो अनुशंसित है टाँड के लिए, जैसे बिरसा विकास धान 109, बिरसा विकास धान 110, बिरसा विकास धान 111 और बिरसा धान 108 बहुत ही बढ़िया किस्म है और इसके बीज आपको अभी उपलब्ध हैं, मिल जाएंगे। और इसके अलावा वंदना भी एक अच्छी किस्म है, वंदना भी सूखा अवरोधी और टाँड में अच्छा उपज दे देता है छिटकवा विधि में, तो वो भी मार्केट में उपलब्ध है, उसको भी आप लगा सकते हैं। अगर इनमें से इस सब चीज़ में से अगर कोई प्रभेद नहीं मिलता है तो वैसी स्थिति में आप सहभागी धान आज के डेट में प्रत्येक गाँव में पहुँच गया है, तो आप उसको भी ले सकते हैं और उसकी सीधी बुआई करके टाँड में आप अच्छा उपज ले सकते हैं। टाँड में अच्छा उपज लेने के लिए जो जुताई करने के बाद आपको जो बीज का मात्रा चाहिए वो 1 हेक्टेयर में 80 से 100 किलो रखना पड़ेगा। आप मोटा मोटी मान के चलिए कि 1 एकड़ में लगभग 40 किलो 32 किलो से 40 किलो 1 एकड़ में, यानी आपको 1 डिसमिल में अगर कहें तो 4 किलो, 1 डिसमिल में लगभग 400 ग्राम आप अगर बीज डालते हैं तो काफ़ी होगा। और इस हिसाब से अगर 15 डिसमिल 20 डिसमिल जितना भी ज़मीन है इस हिसाब से आप बीज का मात्रा तय कर सकते हैं। और इसको आपको जब छींटना हो तो छींटने से पहले जो जिसको बुआई कहते हैं, बुआई करने से पहले रात भर आपको पानी में भिगोना पड़ेगा, रात भर पानी में भिगो दीजिए। और भिगोने के बाद
उसको निकालिए, जो छता जाता है ऊपर में उसको हटा दीजिए, वो खखड़ा होता है, और उसके बाद जो बीज बचता है रात भर भीगने के बाद उसको एक चट्टी में, चट्टी जो जूट वाला थैला आता है, बोरी आता है, उससे लपेट करके रखे और 24 घंटा रखे, 24 घंटा में उसमें अंकुरण हो जाएगा और उस अंकुरित बीज को उसमें ऊपर से कोई भी फफूंदनाशक जैसे टेबुकोनाजोल है या ट्राइसाइक्लोजोल है जो भी उपलब्ध हो पाए 2 ग्राम प्रति किलो बीज में मिला के, और तब उसको आप बुआई करें तो बढ़िया उसका उगाव होगा और बढ़िया उपज प्राप्त होगा। बिल्कुल, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि आमतौर पर जो सामान्य तरीका है छिटकवा विधि जो अभी हम लोग जान रहे हैं या बता रहे हैं आप, इसके अलावा जो तकनीक जो है वैज्ञानिक तकनीक से जो खेती की जाती है तो उसमें क्या अंतर और क्या देखभाल की आवश्यकता पड़ती है छिटकवा विधि में विशेष रूप से? छिटकवा विधि हम लोग इसलिए करते हैं कि जैसे अब जहाँ पर हम रोपाई नहीं कर सकते, रोपाई में हमको ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, कदवा करना पड़ता है, नीचे वाले खेत में पड़ता है, लेकिन टाँड़ में किसान भाई अगर करते हैं तो टाँड़ में हमारे पास मजबूरी है, पानी रुकता नहीं है, तो वैसी स्थिति में छिटकवा विधि का ही से ही खेती कर सकते हैं। तो एक तो हमारी मजबूरी है, दूसरी बात है क्या कि छिटकवा विधि में करेंगे तो बीज की मात्रा हमने बताया, जहाँ पर अगर रोपा विधि में मात्र 40 किलो बीज लगता है 1 हेक्टेयर में, तो छिटकवा विधि में आपको 80 से 100 किलो बीज लगता है, और इसका सीधे बुआई करते हैं, और इसके अलावा खाद की मात्रा कम लगती है क्योंकि इसमें उपज कम मिलता है। जहाँ पर रोपा विधि होता है, रोपा विधि में जहाँ पर उपज आपको 50 क्विंटल 60 क्विंटल 1 हेक्टेयर में मिलेगा, छिटकवा विधि में आपको 25 से 30 क्विंटल आपको मिलेगा। तो किसान भाई जानते हैं कि उपज थोड़ा सा कम मिलता है, इसीलिए इसमें खाद भी कम डाला जाता है। खाद भी आप देखेंगे कि मात्र 1 डिसमिल में आप जैसे बुआई करते हैं तो बुआई के समय में किसान भाई क्या करें, 200 ग्राम DAP और 150 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, जिसको लाल खाद बोलते हैं, प्रति डिसमिल के हिसाब से किसान भाई डाले, और लगभग 15 से 20 दिन के बाद बुआई के निराई गुड़ाई करना पड़ता है, जो भी खरपतवार है निकालते हैं, उस समय लगभग 150 ग्राम प्रति डिसमिल यूरिया डालें, और फिर उसके बुआई के लगभग 35 दिन बाद 100 ग्राम और लगभग 50 दिन बाद फिर 100 ग्राम, मतलब 3 बार में यूरिया देना है और 1 बार में DAP और पोटास खाद देना है। तो इस तरह से अगर खाद देंगे किसान भाई तो निश्चित रूप से बढ़िया उपज प्राप्त होगा। यही अगर हम देखेंगे रोपा विधि में, तो रोपा विधि में इससे 3 गुना खाद दिया जाता है क्योंकि उसमें ज़्यादा उपज प्राप्त होता है, प्रभेद भी अलग होता है, उसमें ऐसे प्रभेद होते हैं जो ज़्यादा उपजशील होते हैं, ज़्यादा फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव होते हैं, फर्टिलाइजर जदीद ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा कल्ले निकलेंगे, ज़्यादा बाली निकलेगा और उपज ज़्यादा होगा। बिल्कुल, तो इसलिए टाँड़ में हम लोग वैसे प्रभेद लेते हैं और जिसका उपज ज़्यादा मिल पाए, और जो एरोबिक कंडीशन है, हवा का संचार मिट्टी में ज़्यादा होता है, तो वैसे कंडीशन में जो प्रभेद अच्छा उपज देता है उसी को टाँड़ में हम लेते हैं, और इसमें खाद का मात्रा, उर्वरक का मात्रा कम देते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने किस्म के बारे में तो जिक्र किया ही था, लेकिन झारखंड में अगर बेहतर दे तो इस तरह से छिटकवा विधि के लिए सबसे बेहतर किस्म कौन सा होगा? सबसे बेहतर किस्म हमने बताया बिरसा विकास धान 109 है, 110 है, 111 है, तीनों काफ़ी अच्छा है। अगर नहीं मिलता है तो वंदना ले सकते हैं, और इसमें से भी अगर ये सब उपलब्ध नहीं होता है, सहभागी धान को किसान भाई के पास है, लगभग उसका रोपा भी करते हैं दोन तीन में, उसको भी किसान भाई छिटकवा विधि से कर सकते हैं। तो किसान भाई बहन, आज हमने आपको मछली पालन के पूर्व तालाब की तैयारी कैसे करनी है और छिड़काव विधि से धान की खेती कैसे करनी है, ये हमने आपको बताया। आशा करते हैं आपको दोनों जानकारियाँ काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो दर्शकों, अगर किसी कारणवश आप अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन नहीं देख पाए हैं तो आप उसे फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी देख सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की, हर किसान का
का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को गांव गांव के हर आंगन का प्यारा साही दर्शन कृषि 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 दर्शन।